एशिया में लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जहां बीते कुछ महीनों के बाद की जाए तो पहले नेपाल में सत्ता बदली, इसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट गया। इस सब घटनाक्रम के बीच बीते दिनों में थाईलैंड ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। वजह, थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीथा थविसिन को थाईलैंड की सर्वोच्च अदालत ने पीएम पद से बर्खास्त कर दिया। अब थाईलैंड से एक खबर और सामने आ रही है कि थाईलैंड की संसद ने पैंतोगार्तन शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। वो देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। दो दिन पहले ही थाईलैंड की सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री श्रीथा थविसिन को पद से बर्खास्त किया। उन पर नैतिक नियमों का उल्लंघन करने और एक पूर्व अपराधी की कैबिनेट में नियुक्ति करने का आरोप लगा था। 37 साल की पैंतोगार्तन थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिवनात्रा की सबसे छोटी बेटी है। उनके पिता के अलावा उनकी चाची थिंगलक भी थाईलैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वो थाईलैंड की सबसे युवा दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। शिवनात्रा अपने परिवार की तीसरी सदस्य हैं जो इस पद तक पहुंच चुकी हैं। उनके पिता थाकसिन शिनावात्रा पिछले साल ही 15 साल के निर्वासन के बाद देश लौटे। थाकसिन साल 2001 में पहली बार थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे, लेकिन 2006 में तख्ता पलट के बाद उन्हें निर्वासित होना पड़ा। बताया जाता है कि थाईलैंड के राजनीतिक में पैंतोगार्तन काफी लोकप्रिय हैं। पिछले चुनावों में भी उन्होंने गर्भवती होने के बावजूद जमकर प्रचार किया। उनकी फेउ थाई पार्टी 2023 के चुनावी में दूसरे स्थान पर थी। वहीं उनके परिवार की भी थाईलैंड की राजनीतिक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि उन्हें जनता का खासा समर्थन मिलता रहा। करीब 48 घंटे पहले थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने श्रीथा थविसिन को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया। उन पर जेल की सजा काट चुके एक वकील को कैबिनेट मंत्री बनाने का आरोप था। अदालत ने यह फैसला 5-4 के बहुमत से सुनाया। कोर्ट के मुताबिक श्रीथा ने इस तरह की नियुक्ति पर संविधान में निर्धारित कैबिनेट मंत्रियों के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि कोर्ट ने फैसले के बाद थविसिन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्हें नियमों की पूरी तरह जानकारी नहीं थी। श्रीथा ने पिचिज चुबनन को कैबिनेट में जगह दी, जिस 2008 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों को रिश्वत देने और कोशिश करने के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने माना है कि श्रीथा को पिचित से जुड़े मामलों की अच्छी तरह से जानकारी थी। बता दें कि श्रीथा थविसिन पिछले साल ही 2023 में हुए चुनाव में जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। महज एक साल बाद कोर्ट की बर्खास्त गली से उनकी सरकार गिर गई। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।